कुछ नहीं। घर चली गई है। दोस्त वो ठहरे हैं और आज हमने जाना था जलील भाई के घर, वहाँ पे हमारा आज जो इरादा है देसी मुर्गी का, तो देसी मुर्गी बनाएंगे। बाबा ये ठहरे हैं और ये देहात का व्यू है। चले मुर्शिद, अभी हम पहुंच चुके हैं जलील भाई के घर वाली साइड। दोस्त रेडी हैं, तो आज हमारा कुकिंग का प्लान है देसी मुर्गी, और जलील भाई के वेट में वो जैसे आते हैं तो हम उनके साथ चले जाते हैं। देख सकते हैं व्यू देहात का, ये है साग, देख सकते हैं। अभी साग मेरे ख्याल में छोटा है, तो आस्ते आस्ते बड़ा होगा। देख सकते हैं माशाल्लाह। हम आपको दिखाते हैं सोलर वाली चक्की, ये देख सकते हैं कि सारा सोलर लगा हुआ है। काफी प्लेटें हैं, वो भी प्लेट लगी हुई है, और ये सारा कनेक्ट हुआ पड़ा है इस मशीन के साथ। शाम तक कितने बजे तक चल पे? 4 बजे तक चल पे। सवेरे कितने बजे रू? सुबह 9 से लेकर 4 बजे तक ये सोलर चलता है सूरज की लाइट से। वो आ रहे हैं दो बाइक वाले, जलील भाई और शाह साहब। जलील भाई वालेकुम सलाम। सर लेट क्यों कर दिया आपने? लेट तुसा की थी 7 बजे अंदा पे बाबा, 11 बजे आ रही थी। नहीं मैंने 10 बजे कहा था। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, देख सकते हैं जलील भाई ने सेटअप बनवाया है, पानी भी मरवाया है ज़मीन पर। तो माशाल्लाह कितनी ग्रीनरी है, सीन आपके सामने है। और सामने बेस्ट जो चीज़ है ट्यूबवेल चल रहा है। बाबा ये बिजली वाला ट्यूबवेल है ना, सोलर वाला है? और शायद सोलर घर पे लगा होगा, देख सकते हैं। और हमने कुकिंग का प्लान यहाँ करना है। अभी हमारा मिशन स्टार्ट होने वाला है इस मुर्गी को पकड़ने के लिए। जलील जलील घर चली गई है, बला छुने ना पीना, बला तो कोई छुने ना। मुर्गी आ गई है दोस्तों, देख सकते हैं माशाल्लाह इस प्लेयर ने पकड़ी है। को यहाँ पे विदा करेंगे, देख सकते हैं। अभी ये मुर्गी की खाल उतार रहे हैं। बाबा बना रहे हैं यहाँ पर चूल्हा, बाबा ये ले। अभी नीचे बिछा रहे हैं, पर्ची बिछा रहे हैं। हम इसको अपनी ज़बान में पर्ची कहते हैं, तली कहते हैं, आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो बच्चा लकड़ियाँ उठा रहा है, यहाँ पे हम लकड़ियाँ रख रहे हैं। एक किलो चिकन है देसी मुर्गी का, और ये प्याज टमाटर सब्ज मिर्च घी सारे मसाले। थोड़ा जमंदर थोड़ा बहुत
तो अभी गन्ना खाएंगे और गन्ना वहाँ से तोड़ा है, वो देख सकते हैं सामने जो कमाद है बच्चे ने। और वेरी गुड छोटे, ये लो, अब साफ हो गया। आलू बुखारा खटास लाते बाबा, अभी पानी चुटा ले, ये तल लगता प्याज जरा गल वैसे मसाला। बच्चे जो हैं वो हमारी हेल्प कर रहे हैं लकड़ियाँ तोड़ तोड़ के चूल्हे में डालने के लिए, और बाबे ने आग ज़्यादा जला ली लगता है। तो बाबा मुझे लगता है ये प्रोग्राम बढ़ने वाला है, जिस तरीके से ऊपर ये रखी हुई है, इसको हम हांडी कहेंगे या देगची? अभी बाबे ने चिकन डाला है, एक मजे की बात बताऊं, ये मुर्गा आया है अपनी मुर्गी को ढूंढने के लिए, लेकिन इसको नहीं पता इसकी मुर्गी इसके अंदर है, ये अपनी मुर्गी को ढूंढ रहा है मुझे लगता है मुर्गा, और मुर्गी बेचारी इसके अंदर है। वो सामने खाना बना रहे हैं और खाने को कोई 20 मिनट और देर है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पर चहलकदमी कर लूँ। देख सकते हैं कितनी खूबसूरती है, पानी गुजर रहा है यहाँ से, साफ साफ पानी, बिल्कुल क्लियर पानी। ये जो देख रहे हैं सारा का सारा साग है, और साग की मौसम स्टार्ट हो चुकी है, तो अब देहातों में शहरों में साग ही साग होगा। खाना ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, मैंने अभी मुँह धो लिया है, बाबा और शान मुँह धो रहे हैं, छोटे बच्चे आ गए हैं रोटी लेके, और अभी हम सालन डालेंगे माशाल्लाह, देख सकते हैं तो जगह भी बड़ी ज़बरदस्त है बैठने की। पापा ने खाना बना लिया और खाना रेडी है, तो बिस्मिल्लाह करें दोस्तों, अभी बिस्मिल्लाह करते हैं और खाने का टेस्ट बताते हैं आपको। बाबा अल्फाज नहीं है खाने के, आपने जो बनाया ना माशाल्लाह। दोस्तों हमने खाना खा लिया है, जलील भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, जलील भाई ने हमें दावत दी थी, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी टाइम से हमने फरमाइश की हुई थी कि यार देसी मुर्गी खाएंगे, तो जलील भाई ने देसी मुर्गी खिलाई, और बनाने वाले ये हैं फूडी बाबा। तो जलील भाई इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं, कमाल ठीक है, ओके सर, शुक्रिया। बाबा बाबे का जो चैनल है उस चैनल का नाम है फूडी बाबा, और उसके चैनल में जाके सब्सक्राइब कर दें, फूडी बाबा 874। अच्छा फूडी बाबा 874, कोई स्पेस नहीं। ओके बाबा, ओके हो गया।